हाई एवरी वन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड पाँच क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये जो क्वेश्चन हैं अगेन आई वुड सजेस्ट कि हमने करंट अफेयर्स में से लिए हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड हैं बट एट द सेम टाइम इसके साथ आपके जो स्टैटे के कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होंगे एंड आफ्टर योर डन विद दिस वीडियो प्लीज़ टू मैंशन योर स्कोर इन द कॉमेंट्स बोलो अगर आपको कोई डाउट है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो भी आप नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं सो so शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन रेड पांडा के ऊपर है इसके ऊपर लास्ट वीक एक आर्टिकल था कि दार्जिलिंग में एक ज़ू है जिसमें रेड पांडास को और रेड पांडास को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बेसिकली रीवाइल्डिंग ऑफ रेड पांडास हो रही है सो ऑबियसली रेड पांडा इज बिकम एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमें रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो इस क्वेश्चन में आपको चार स्टेटमेंट दी गई हैं रेड पांडा के ऊपर और आपको बताना है कौन सी करेक्ट है पहली स्टेटमेंट है इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू जाइंट पांडा इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लेस पांडा इंडिया इज़ होम टू बोथ दी स्पीशीज और दी सब स्पीशीज़ हिमालयन रेड पांडा एंड चाइनीज रेड पांडा एंड द सियांग रिवर इन अरुणाचल प्रदेश स्प्लिट्स द रेड पांडा इन टू दीज टू फाइलोजेनेटिक स्पीशीज़ देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे सिम्पल चार स्टेटमेंट दी गई हैं पहली स्टेटमेंट है इट इज़ दी स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम वो बिल्कुल सही है कि जो रेड पांडा है स्टेट एनिमल है सिक्किम का एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेसर पांडा लेकिन ये जाइंट पांडा के साथ रिलेटेड नहीं है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्ज़ाम में सो यू नीड टू नोट इट डाउन कि ये हमारा जो रेड पांडा है ये जाइंट पांडा से रिलेटेड नहीं है चाहे हम इसको लेसर पांडा भी कहते हैं उसके बाद तो ये दो स्टेटमेंट सही से है सेकेंड गलत हो गई अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट है फोर्थ स्टेटमेंट कहती है कि इंडिया इज़ होम टू बोथ दी सब स्पीशीज़ तो ये सही है इंडिया में आपको हिमालयन जो रेड पांडा है वो तो मिलता ही है उसके अलावा जो चाइनीज़ रेड पांडा है वो भी मिलता है और इन फैक्ट इन दोनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सियांग रिवर डिसाइड करता है कि सियांग रिवर के एक साइड पर आपको चाइनीज रेड पांडा मिलेगा और एक साइड पे आपको हिमालयन रेड पांडा मिलेगा और सियांग रिवर कहाँ पे इन अरुणाचल प्रदेश ठीक है सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है ठीक है सो दैट दैट मेक्स द थर्ड ऑप्शन करेक्ट वन थ्री एंड फोर तो दिस इज हाउदी रेड पांडा लुक्स एंड जो रेड पांडा है अगर हम इसको ना ब्रॉडली देखें अभी हमने देखा दो स्पीशीज़ हैं हिमालयन रेड पांडा और चाइनीज रेड पांडा तो ये आपको हिमालयस में मिलेगा मोर प्रिसाइसली ईस्टर्न हिमालयस में और चाइना में साउथ वेस्टर्न चाइना में ठीक है उसके बाद इट इज़ नॉट रिलेटेड टू जॉइंट पार्टा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आरबोरियल है पेड़ों पे ही दिखता है जैसे अगर आप इसकी इमेज भी देखें ना तो पेड़ पे ही दिख रहा है आपको मोस्टली जो रेड पांडा है पेड़ों पे ही रहते हैं एंड दे यू नो फीड ऑन एग्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एंड इन फैक्ट बैम्बू के ऊपर बहुत कॉमनली आपको मिलते हैं तो अगर हम ऑल्टीट्यूड की बात करें तो बाईस से फोर्टी मीटर्स में कहीं भी आपको मिल सकते हैं ईस्टर्न हिमालयस में मिल रहे हैं तो एक सर्टन हाइट पर मिलेंगे राइट उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं और अगर हम वैसे वेजिटेशन की बात करें तो डेसिडुस से लेके कॉनिफर फॉरेस्ट में आपको मिलते हैं ठीक है स्पेशली जहाँ पे ना बैम्बू बहुत कॉमन uh, है वहाँ ये आपको ज़्यादा मिलते हैं देन सॉलिटेरी है अकेला रहना पसंद करते हैं ऐसे झुंड नहीं दिखते अकेला अकेला एनिमल दिखता है एंड दे आर मेनली एक्टिव फ्रॉम डस्क टू डॉन मोस्टली ना जैसे नॉकटर्नल है मतलब रात को एक्टिव रहते हैं या जैसे रात से पहले जो हमारा टाइम रहता है डस्क और डॉन का जो एनिमल्स उसमें भी एक्टिव होते हैं उनको कहा जाता है क्रेपिस्कुलर ठीक है सो नॉकटर्नल और रात से पहले थोड़ा सा टाइम और यू uh, नो you know, uh, दिन जब शुरू होता है उससे पहले मतलब सनराइज से पहले uh, जो हमारा डिम वाला टाइम होता है डिम लाइट वाला टाइम उसमें जो एनिमल्स एक्टिव होते हैं क्रेपस्कुलर तो ये क्रेपस्कुलर भी है और नॉकटर्नल भी है डे टाइम पर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता मोस्टली सीडेंट्री होता है डॉट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इस लेसर पांडा इसको रेड बियर कैट भी कहते हैं या रेड कैट बियर भी कहते हैं रेड है और बियर जैसा दिखता है कैट बियर या बियर कैट इसको दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं ठीक है उसके बाद जो है अगर हम इंडिया में बात करें ना इंडिया में मोस्टली चार स्टेट्स में मिलता है अरुणाचल में हमने देख लिया सियांग रिवर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है दो सब स्पीशीज़ में डिवाइड करता है सिक्किम का ये स्टेट एनिमल है अभी मैंने दार्जिलिंग की आपसे बात करी कि दार्जिलिंग जू में इसको री इंट्रोड्यूस कर मतलब और ज़्यादा रिवाइल्ड कर रहे हैं तो इन जगहों पर तो मिलता ही है अरुणाचल सिक्किम वेस्ट बंगाल और उसके अलावा मेघालय मतलब आप अगर बात करो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको मोटा मोटा मिलता है और चाइना के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया में रेड पांडास की वो इंडिया में है लाइक आई सोम टू वोट दी स्पीशीज और दी सब स्पीशीज ठीक है उसके बाद आई यू सी एन देखे स्टेटस तो इन डेंजर्ड है शेड्यूल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब एप्सोलूट प्रोटेक्शन है इसको अपेंडिक्स वन ऑफ साइट उसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज स्ट्रिक्टी रेगुलेटेड ठीक है अब ये सब मेजर्स के बावजूद जो इसकी पॉपुलेशन है जो इसके नंबर्स है कंटिन्यू टू तो डिक्लाइन हैबिटेट लॉस हैबिटेट लॉस क्या होता है इनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसकी इंक्रोचमेंट होती है अब जैसे पेड़ कटते हैं या फॉरेस्ट एरिया सेपरेट इज़ रिप्लेसड बाय एग्रीकल्चरल लैंड या इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं तो वो सब कुछ उसके अलावा पोचिंग मीट और फर के लिए इसकी पोचिंग भी होती है एंड देन लास्टली इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है इनकी ना आइसोलेटेड पॉपुलेशन है तो वो आपस में ही ब्रीड करती रहती हैं ठीक है ठीके? अब जो पॉपुलेशन आपस में ब्रीड करती है ना तो हम ऐसा मानते हैं कि जो अच्छे जीन्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हो पाते जैसे अच्छे ट्रेड्स ठीक है तो जैसे अब आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि पॉपुलेशंस को ना आउटब्रीड करना चाहिए है ना इन ब्रीडिंग नहीं करना चाहिए उससे क्या होता है कि जो अच्छे ट्रेड्स हैं दूसरी पॉपुलेशन के वो आपको नहीं मिल पाएंगे जो आपके पॉपुलेशन के अच्छे ट्रेड्स हैं वो तो ही है ही हैं ठीक है अब क्या होता है कि अब जैसे एक ही पॉपुलेशन में ब्रीडिंग होती जा रही है तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि कोई वायरस आता है तो अब वो जितनी भी वो ए लोग हैं सॉरी uh, जो स्पीशीज़ हैं उस पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं उनके पास सिमिलर ट्रेड्स हैं तो अगर एक वायरस एक ट्रेड को अटैक करता है तो वो सारी पॉपुलेशन ही वाइप आउट हो जाएगी लेकिन तो दैट इज़ हाउ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन वर्क ठीक है एक तो वो रीज़न है और वैसे भी जो नंबर्स हैं ना वो कम होते रहते हैं ठीक है अब यही कोई और पॉपुलेशन के साथ अगर वो ब्रीड कर रहे होते तो उनके जो अच्छे ट्रेड्स हैं वो भी प्रोजनी में दिखते ठीक है तो पॉपुलेशन जो है और ज़्यादा बढ़ती तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट uh, है कि जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन होती हैं उनमें देखा जाता है और नंबर्स इवेंचुअली डिक्रीज होते हैं और ऐसा माना जाता है कि पॉपुलेशन ही वाइप आउट हो जाती हैं एंड इवेंचुअली स्पीशीज़ ही वाइप आउट हो जाती हैं ठीक है ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में ईस्टर्न हिमालयस में देखने को मिलता है ऊपर वाली ठीक है एंड जो हमारा साउथ वेस्टर्न चाइना है तो दिस इज चाइना तो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में आपको देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद एक अवार्ड है गार्डियंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी अवार्ड इट रिकगनाइज लीडर्स हु हैव मेड एन ओवरवेलमिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू तो अब देखो ये भी आपने अगर पढ़ा है तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑप्शंस हैं ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स यूनाइटेड नेशंस एस डी जी कॉरपोरेट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल्स नानो तब तो इसका सही आंसर है बी ठीक है अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडियन एनवायरमेंट लॉयर सुधीर मिश्रा जी को ये जो अवार्ड है ये मिला है फॉर द ईयर ऑफ 2022 ठीक है और ये इसीलिए दिया जाता है लीडर्स को एजेंसीज को इंस्टीट्यूशंस को विच मेक ओवरवेलबिंग कंट्रीब्यूशन टू द एस ठीक है और इन्होंने भी किया है दैट इज़ वाई ही ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद दिस अवार्ड एंड इन फैक्ट ही इज़ एन एनवायरमेंटल लॉयर बेस्ड आउट ऑफ इंडिया एंड इन्होंने टाइगर्स वेटलैंड कोस्टल एरियाज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है फॉर द कॉज ऑफ एनवायरमेंट एंड स्पेशली फॉर द कॉज ऑफ एस डी जीज फॉर विच ही हैज़ बीन अवार्डेड ठीक है तो एक बार इनके बारे में ना थोड़ा सा पढ़ सकते हैं स्पेशली द अवार्ड के बारे में ताकि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हमें आइडिया हो राइट देन द थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बायो प्लास्टिक अब आपको पता है सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो है उसकी जो कुछ आइटम्स है वो बैन हो गई है फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू से तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो तभी ऑल्टरनेटिवस की भी बात की जा रही है ठीक है तो ऑल्टरनेटिवस में एक बायो प्लास्टिक्स की बात होती है तो ये जो क्वेश्चन है बायो प्लास्टिक से रिलेटेड है पहली स्टेटमेंट है दीज आर मेनली डिराइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट रिच बायोमास दे आर ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल अब इसमें ना आपको इनकरेक्ट बताना है ठीक है अब इसका जो आंसर है देखिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत है तो हमें इनकरेक्ट ही बताना है तो वही हमारा आंसर हो जाता है अब देखो जो बायो होते हैं ना बायो प्लास्टिक एक ब्रॉड टर्म है जिसमें कि वो प्लास्टिक्स जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनते हैं जैसे लेट्स बायोमास से बनते हैं वो भी आते हैं और जो बायोडिग्रेडेबल है वो भी आते हैं ठीक है बट दे आर ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल वो स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है ठीक है सो जो बायो दे इंक्लूड like बायो ठीक है बायो मतलब डिराइव्ड बायो प्लास्टिक्स बायोमासराइव्ड प्लास्टिकिग्रेडेबल प्लास्टिक्स दोनों ही आते हैं और मोस्टली अगर हम बायो बास वाले प्लास्टिक्स की बात करें तो कौन सा बायोमास जो कार्बोहाइड्रेट रिच है उससे बनते हैं बायो प्लास्टिक तो ऑब्वियसली ना इन प्लास्टिक्स को एक अच्छा ऑल्टरनेटिव माना जाता है टू द फॉसिल डिराइव्ड प्लास्टिक्स है ना अब पर इसके साथ ना एक कॉमन मिसकनसेप्शन है दैट वाज द प्राइमरी आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन आल्सो कि इसकी जो बायोडिग्रेडेबिलिटी है ना उससे रिलेटेड एक मिसकन्सेपन आता है कि जो बायोप्लास्टिक्स हैं वो हमेशा ही बायोडिग्रेडेबल होंगे नहीं जो बायोडिग्रेडबिल डिग्रेडेबिलिटी है ना वो डिपेंड करती है उस उसके उस प्लास्टिक के स्ट्रक्चर पे ठीक है अब ये जो स्टेटमेंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं ना वो तो बायो ही होंगे लेकिन सारे बायो प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते बायोप्लास्टिक का मतलब दो मतलब है ठीक है बायोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है या तो वो बायोमास से बना है या फिर वो बायोडिग्रेडेबल है हो सकता है वो दोनों भी हो बायोास से भी बना हो बायोडिग्रेडेबल भी हो ठीक है वो भी एक कैटेगरी हो जाएगी लेकिन दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाई होता है तो हम उसको बायोमास सॉरी बायो ही कहते हैं या तो वो बायोमास से बना है चाहे वो बायोडिग्रेडेबल है हो सकता है कि एक बायोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल्स ठीक है अब ये जो है ना ये बायोमास से नहीं बने ये ऑयल से बने हैं लेकिन ये डिग्रेडेबल हैं ठीक है इफ दे आर एक्सपोज टू यू वी हीट और ऑक्सीजन दे डिग्रेड ठीक है तो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल्स आर ऑल्सो इन एग्जाम्पल ऑफ बायो प्लास्टिक दे आर मेड फ्रॉम नॉट फ्रॉम बायोमास बट फ्रॉम ऑयल ठीक है बट दे आर बायोडिग्रेडेबल तो ये भी हमारी एक कैटेगरी है ठीक है ओके okay, अब इसमें ना एक टेबल है जो बहुत अच्छे से समझाता है जैसे ये बायो बेस्ड वाली लाइन है ठीक है और ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वाले हैं ये फॉसिल बेस्ड हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं अब अगर हम कन्वेंशनल प्लास्टिक्स की बात करें जिनके कुछ आइटम्स बैन किए गए हैं फ्रॉम फर्स्ट जुलाई जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं वो एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड होते हैं ठीक है ठीके? तो उनमें एग्जाम्पल आते हैं कन्वेंशनल ठीक है जैसे हमारे पास यू पॉली थैलेट है ना ये सारे जो पेट बॉटल्स वो सारे एग्जाम्पल्स आते हैं ठीक है उसके बाद एक है हमारे पास बायो डिग्रेडेबल है लेकिन फॉसिल बेस्ड है ठीक है जैसे कि हमने ऑक्सो बायो डिग्रेडेबल्स की बात करी वो इसमें आते हैं कहते हैं हम उनको बायो प्लास्टिक्स ही हैं फिर एक जो अल्टीमेट रहता है ना वो बायो बेस्ड ठीक है और एट द सेम टाइम बायोडिग्रेडेबल ठीक है वो भी हो सकते हैं एक हमारे पास बायो बेस्ड हो सकते हैं लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं ठीक है तो मोटी मोटी बात आपको ये जाननी है कि जो बायो प्लास्टिक्स हैं ना वो ये हैं ठीक है और ये हैं ठीक है मतलब कि वो बायो बेस्ड है या वो बायोडिग्रेडेबल है वो दोनों भी हो सकते हैं लेकिन वो आइदर भी हो सकते हैं ठीक है आई होप नाउ दिस इज क्लियर बायो प्लास्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा राइट right? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंडमार्क केस ऑफ रामदास जनार्दन कोहली एंड अदर्स वर्सेस द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरिस्ट एंड अदर्स रिलेट्स विथ ये भी अगर आपने पढ़ा हो इनके ऊपर बहुत अच्छा एक आर्टिकल था वायर में सो so, उसके ऊपर हमने बेस किया है इस क्वेश्चन को सो so, ये जो केस uh, था दैट इज रिलेटेड टू पेइंग कॉम्पोजिशन टू फिशिंग फैमिलीज ऑफ महाराष्ट्र रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ठीक है सो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो इन्वायरमेंट से जुड़ा है 2015 का केस है एनजीटी ने एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर करी थी ठीक है जिसमें कि उन्होंने तीन पावरफुल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिसमें सिटको ओ और जे को बोला गया था कि वो कॉम्पनसेशन पे करें टू वन सिक्स थ्री जीरो फिशिंग फैमिलीज ऑफ महाराष्ट्र रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्योंकि इनकी वजह से जो उनका लाइवलीहुड लॉस हो रहा था बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेंशन प्लान देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज उनका जो लाइवली लॉस हुआ उसके बेसिस पे उनको कॉम्पनसेशन दी जाए ठीक है तो ये जो केस था ये जो फिशिंग कम्युनिटी विलेजेस के जो इंटरेस्ट थे दे वर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय कोहली ठीक है एंड उनको एक्चुअली में इट वाज डन इन द फेवर ऑफ द फिशिंग कम्युनिटी अब जो मेन कंसर्न्स थे ना वो ये थे कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं ओएनजीसी के या जे के ये क्या करते हैं दे हैव रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ फिशरमैन बोट्स दे हैव रिस्ट्रिक्टेड रेगुलर टाइडल वाटर एक्सचेंजेस जैसे फिशिंग हैज बीन इंपैक्टेड तो जो ट्रेडिशनल फिशिंग एक्टिविटीज है इन लोगों की अर्निंग्स होती थी दे हैव बीन लॉस्ड ठीक है उसके अलावा रिक्लेमेशन ऑफ लैंड ठीक है जो वहाँ पर नेचुरल लैंड था जो वहाँ पर लग से मैंग्रोव्स थे उनको रिक्लेम करके वहाँ पर इन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर दिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया जिसकी वजह से ब्रीडिंग ऑफ फिश कम हुई जिसकी वजह से फिशिंग कम हो गई है ना तो इनकी लाइवलीहुड से इफेक्ट हो गए उसके अलावा जो रूट था ट्रेडिशनल बोट्स का वो कम हो गया क्योंकि जहां पे मे बी पहले फिशिंग कर, करते थे वहां पे लैंड रिक्लेम कर लिया गया वहां पे इन्होंने अपना इंफ्रा बना दिया सो दैट इज एडेड टू द मिजरी ऑफ द फिशिंग कम्युनिटीज़ तो उसके ऊपर बेस्ड था ये केस तो एक बहुत स्पेसिफिक केस है बट अगेन ये एक तरह से आप ना डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट के uh, जब भी आपसे कभी मेंस में भी क्वेश्चन आए उसमें भी आप इसको गोट कर सकते हो और अगर प्रिलेंस में ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन आए तो अगेन यू कैन वेरी इजिली आंसर नाउ राइट देन लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ऑफ वाटर तो इसमें है यूरेनियम थोरियम एक्टीनियम आर थ्री नॉम नॉम क्या होते हैं नेचुरली अक्रिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल सीरीज दैट कंटामिनेट वाटर रिसोर्स तो ये तीन क्या कंटामिनेट करते हैं और साइवर्ट मेजर्स यूनिट होता है साइवर्ट मेजर्स इट मेजर्स द क्वान्टिटी ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड बाई ह्यूमन

मैग्नेटिक रेडिएशन ठीक है अब बेसिकली जो पानी को कंटामिनेट करते हैं ना जो तीन नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो है यूरेनियम थोरियम एंडियम इनको नॉर्म भी कहा जाता है अब ये जो है ना ये आद वांस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन देखो मोस्टली ना थोड़ी बहुत रेडिएशन तो सब आ, पानी के सोर्सेज में आपको मिलती है लेकिन वो बहुत ही मिनेस्क्यूल होती है आप उसको मेजर भी नहीं कर सकते अगर वो एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो इट माइट बी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन्स ठीक है और रेडियो एक्टिव इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कैन बी डिटरमाइंड बाई एक टेस्ट होता है ग्रॉस एल्फा टेस्ट जो कि स्पेसिफिकली इसी के लिए है अगर हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर करना चाहें तो बेकरल या क्यूरी रहता है जो साइविट है वो बेसिकली ह्यूमन टिश्यूज कितनी रेडिएशन ऑब्जॉर्व करते हैं उसके लिए है तो ये जो यूनिट्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ग्रॉस अल्फा टेस्ट क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और एटलीस्ट एक, एक आइडिया होना चाहिए राइट right? सो so, ये थे आज के पांच क्वेश्चंस प्लीज अपना स्कोर जो है वो आप कमेंट्स में लिखे आपको कोई भी डाउट है इन पांच क्वेश्चन से रिलेटेड आप वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं हम आंसर करने की कोशिश करेंगे आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा आपको समझ आया आपने कुछ नया सीखा कुछ आपको रिविजन में हेल्प हुई ठीक है सो दैट वॉज ऑल और जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि स्लीपी क्लासेज इज नाउ ऑफलाइन चंडीगढ़ में हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू दी ओनली बैच फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वो जी का होगा सोशियोलॉजी और पी एस आई आर एंड सी सैट का रहेगा ठीक है इनकेस यू वॉन्ट टू इनरोल, यू कैन कॉल एट आर टोल फ्री नंबर दैट इज वन एट डबल जीरो एट नाइन जीरो थ्री जीरो फोर थ्री ठीक है उसके अलावा अगर आप बैच थ्री में इनरोल करना चाहते हैं आप ऑनलाइन इनरोल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कॉन्टेंट uh, बैच में क्या रहता है जीएस कंटेंट उसके बाद कंटेंट में आपके पास स्टैटिक करंट अफेयर्स और क्विज रहता है ठीक है देन यू गेट यू नो मेन्स के आंसर्स ठीक है हंड्रेड क्वेश्चन के आंसर्स इन दॉर्म ऑफ पी एंड वीडियो सोल्यूशन इफ़ यू इन केस यू वॉन्ट टू गेट दम इवेलुएटेड यू कैन टेक दिस कोर्स एंड इन केस यू वॉन्ट मेंटरशिप ऑल्सो तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं अगेन इसकी डिटेल्स भी आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल uh, करके अच्छे से जान सकते हैं ठीक है अगर आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं यू डोंट वांट टू बाय द होल कोर्स यू कैन गो फॉर दैट आल्सो ठीक है एंड फाइनली अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स का कोर्स लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं राइट सो दैट वॉज फॉर टूडे थैंक यू